हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज हम बात करेंगे स्कॉटिश चौसेरियन की जोफ्री चौसर थे उनकी डेथ हो गई थी 1400 में उसके बाद जिन्होंने भी इनके वर्क को इमिटेट किया 1400 में चौसर की डेथ हो गई थी तो इसके बाद चौसर के वर्क को उनके लिटरेरी स्टाइल को जिन ऑथर्स ने भी कॉपी किया था जो इंग्लैंड से थे उनको इंग्लिश चौसेरियन बोलते हैं और जो स्कॉटलैंड से थे उनको स्कॉटिश स्कौर्ट, चौसेरियन बोलते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्कॉटिश चौसेरियन कौन थे द फिफ्टीन सेंचुरी राइटर बेसिकली कॉल्ड द इमिटेटर ऑफ चौसर लाइक्ड टू राइट इन एलिगरी तो जैसे चौसर एलिग्रिकल वर्क लिखते थे हिस्टारिकल वर्क लिखते थे उन्हीं के स्टाइल को जिन्होंने इमिटेट किया जिन्होंने कॉपी किया उनको स्कॉटलैंड uh, से थे स्कॉटिश और इंग्लैंड से थे इंग्लिश चौसेरियन बोलते हैं इकलोग एंड पेस्टोरल पोइट्री वर चैरिश फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रॉबर्ट हेनरीसन जो स्कॉटिश चौसेरियन है और बारकले जो इंग्लिश चौसेरियन है जोफ्री चौसर के इमिटेटर उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले किंग जेम्स फर्स्ट की तो इनका लाइफ स्पेन इंग्लैंड है यही एक तरह से सेम पर्सन जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड है तो एक ही किंग है जिनको इंग्लैंड का जेम्स फर्स्ट बोलते हैं और स्कॉटलैंड का जेम्स सेकेंड सॉरी सिक्स बोलते हैं जेम्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट अमंग स्कॉटिश चौसेरियन ियन द वेरी पॉपुलर लव एलिग्री रिटर्न बाय जेम्स फर्स्ट इज किंग्स क्योर इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है किंग्स क्योर इन्होंने इसमें राइम रॉयल को यूज़ किया सबसे पहले राइम रॉयल तो जोफरी चौसर ने यूज किया था लेकिन उनका नाम किंग के नाम से ही पड़ा तो उसके बाद इन जोफरी चौसर को किंग जेम्स ने कॉपी किया और सेम वो स्टंजा फोरम जो सेवन लाइन स्टंजा फोरम थी ए बी ए बी बी सी थी इसको अपने वर्क किंग्स क्योर में अप्लाई किया तो इनके नाम पे रॉम रॉयल स्टेंजा पड़ा था तो ये इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये एक लेडी थी जेन ब्योफोर्ड जो नीस थी हेनरी फिफ्थ की उससे प्यार करते थे बाद में उनके साथ इनकी शादी हो गई फोर्टीन में तो ये इनका लव वर्क है एक तरह से और चौसर को कॉपी किया इन्होंने उसके बाद इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट और है ट्रांसलेशन ऑफ ऑथोराइज वर्जन ऑफ बाइबल वर्जन ऑफ बाइबल जो सिक्सटीन इलेवन में हुआ था जो ये बाइबल है इसके जितने भी वर्जन है या जितने भी पब्लिश ये हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे वाइकलिफ की बाइबल है उससे पहले टिंडेल की थी कवरडेल की बाइबल थी तो ये सब बाइबल के वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इनके ईयर याद होने चाहिए काफ़ी बार पूछे जाते हैं ये उसके बाद हम जो अगले स्कॉटिश जो सैरियन है उनकी बात करते हैं वो है रॉबर्ट हैंनरीसन इनका लाइफ स्पेन हेनरीसन कम्स अंडर द बेस्ट चोसेरियन इनका वर्क है ट्रॉयलस एंड नहीं सॉरी जो चोसर का वर्क था ट्रॉयलस एंड क्रिसीड उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया है आगे और इनके वर्क का नाम है टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड रॉबर्ट हेनरीसन का वर्क है जो एक तरह से चोसर जोफरी चोसर का वर्क ट्रोयलस एंड क्रिसीड को ही आगे कंटिन्यू किया गया है उसके बाद है दे, दे, गेविन डोगलस गेविन डोगलस का लाइफ स्पेन है फोर्टीन सेवेंटी फोर से फिफ्टीन टवेंटी टू डोगलस ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है पैलेस ऑफ ऑनर एक दो छोटे मोटे वर्क और हैं इनके वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यही है इसमें इन्होंने चौसर को इमिटेट किया है पैलेस ऑफ ऑनर इज फुल ऑफ मोरलाइजिंग आर्ट डोगल रोड दिस वर्क विद मोरल परपज और इन्होंने जो वर्जिल का वर्क था एनिड उसका ट्रांसलेशन भी लिखा है उनकी जो ट्वेल्व बुक्स थी उनको ट्रांसलेट किया है और लास्ट है दन, दन्बर. दन्बर काफ़ी इंप, माने जाते हैं। इनका लाइफ स्पेन है फोर्टीन सिक्सटी से फिफ्टीन थर्टी ही इज पर मोस्ट फेमस स्कॉटिश पोइट बिफोर बर्न बर्नस इज पोइट्री इज मोस्टली सटायरिकल ही ओफन स्टायराइज द कैलर्जी द वुमन एंड द ट्रेड्स मैन ये मैन को बहुत स्टेराइज star, किया इन्होंने और वुमन को भी और ट्रेड्स मैन को भी इनके वर्क हैं द टू मैरिड वुमन एंड द विडो और द डेविल्स इंक्वेस्ट तो स्कॉटिश चौसेरियन में इतना ही है इसे बाहर कुछ नहीं आएगा जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने पूरा करवा दिया है अगर आपको वीडियो अच्छा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग